दस सेकंड के लिए सिर्फ डोर ओपन तो कर दीजिए, मैं यहां से देख लूंगी। दस सेकंड के लिए आप डोर ओपन कर दीजिए, डोर ओपन कर दीजिए मुझे सिर्फ। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं यहाँ हॉस्पिटल आई हूँ अंसारी जी के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल है कि फोटोज वगैरह भी लेनी होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके उनसे बात हो जाए, तो बने रहिएगा, मैं उनके अबू से बात कर बात करवाती हूँ। यह वो हॉस्पिटल जहाँ पे सभी हाँ एडमिट है जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चाचा आपके पास हैंड फ्री होगी, ईयरफोन होगा? ईयरफोन है, परमिशन नहीं है। इधर चलो ना दीवार से। हाँ यहाँ से देख दो पर्स में ईयरफोन। कोई कमेंट कर दो, आवाज आ रही है? ऑन है कैमरा? हाँ ये आप दोनों में से समीर के बाप हैं? हाँ, जैसे कि कल मैंने आपको डिटेल दी थी कि हमारे पड़ोसी समीर को जिस तरह पुलिस ने मारा है, उनके अब्बा से आप पूरी डिटेल्स ले लीजिए, वो आपको बताएंगे। चाचा क्या हुआ था एक बार बताइए। ये एक्चुअली है कि 22 तारीख की रात में 8:30 बजे उधर थाने पे बैठे तो मेरी वाइफ ने फोन किया कि समीर अहमद कहाँ है, तो फोन उठाया पुलिस वाला ने, वो बताया नहीं कि मैं पुलिस वाला हूँ, बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो कैसे कि बोला कि वो बाइक से हो गया है। पहले आपको ये बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, पहले वो बताया कि एक्सीडेंट हो गया है पुलिस वाले ने, और मेरे को पुलिस वाले नाम उतना नहीं बताया। मैं अपने समीर अहमद के मोबाइल में हमने कॉल लगाया, बोला कि हम ताकि व्हाट्सएप से मेरे से बात कर, बोला कि मेरे को लॉक नहीं खोलने आता है, और फिर जब हमने कॉल लगाया दोबारा तो बोला नहीं जैसा कि आपने नहीं सिविल में आ जाओ, नहीं सिविल में मैं गया तो वहाँ नहीं मिला मेरे को, तो फिर ऐसा है कि हमने एप्पल में आया, मेरा समीर अहमद ने बोला कि पहले आरोग्य केंद्र में ले गए, वहाँ से फिर उसके बाद एप्पल में आया, हॉस्पिटल में ले गए सिविल हॉस्पिटल से, फिर ऐसे करके हम एप्पल में लेकर आए यहाँ पे। अच्छा, तब तक पुलिस वाला ने आपको बताया नहीं था कि क्या हुआ, इन्होंने पीटा या कुछ? वो खाली ऐसा बताया कि जीप में से कूद पड़ा, गाड़ी में से कूद गया, और ऐसी कोई हमको निशाने नहीं है। यहाँ एक बात आपको बता दूं, अगर गाड़ी में से गिरा होता कि पुलिस का ये कहना है कि ये गाड़ी में से गिरा। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस अपनी वैन लॉक रखती है, और अगर हम चलते चलते भी कहीं से स्लिप होते हैं तो हमारे हाथ पैरों में खरोच आती है। जबकि मैं वीडियो करूंगी, मुझे मिलने तो नहीं दिया गया, लेकिन मेरे पास पहले का वीडियो है, उसके बॉडी पे एक खरोच नहीं है, सिर्फ कमर पे पीटने के निशान है, और सर पे चोट लगी हुई है। तो ये बात तो किसी तरह बच्चे को भी हजम नहीं होगी कि वो गाड़ी से गिरा है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि गाड़ी से गिरा है। आगे का सुनिए आप क्या कहते हैं। आगे का ऐसा है कि जब हमने यहाँ पर आया तो देखा, हमने वीडियो की तो वीडियो करके देखा, तो हमें कुछ समझ में नहीं पड़ा, तो रात में हमने तनवी ने बोला लड़का तो ऐसा कि डॉक्टर ने बोला कि सुबह 6 बजे हालत बहुत सीरियस है, बगैर ऑपरेशन इसका काम नहीं चलेगा,
तो बच्चे ने बोल दिया तो ऑपरेशन किया, जैसे जो करना कर दो, जो भी करना है तो इसे हमने उसको सलाह डॉक्टर ने दिया कि ऑपरेशन करके इसका छुट्टी हो गया। अभी तक 6 रोज हो गया है, 5-6 रोज हो गया, मगर अभी तक उसका कोई ऐसा डिसीजन नहीं। अभी तो कोमा में है और हम लोग स्थिति नहीं है, सारा इलाज मैं कर सकूँ। मेरा ये है कि मजदूरी करते हैं सर, तबियत लड़ाएंगे और जो अभी भी आपकी कोई बात हुई है तनवीर साहब थोड़ी सी किसी तरह बात नहीं हुई, काम ले जाते हैं यहाँ के कमिश्नर साहब, मेरा इंसाफ करें, मेरे बच्चे का जो भी जैसे भी हाल मेरी है वो बच्चे को मेरा जैसा था उसी तरह मेरा हो जाए, अच्छा मेरे बेहस है और मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि उसने मास्क नहीं पहना था इसलिए पुलिस से बहस हुई, मास्क का वो दंड दे 1000-2000 जो भी हाँ, तो उसके बावजूद क्यों परेशान करा। अब बच्चे को आधा घंटा के अंदर मेरा अच्छा, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि मास्क तो पहना हुआ था लेकिन पुलिस सिर्फ ये इल्जाम लगा रही है, अपने बचाव कर रही है। जी, वो बचाव में ये बोल रही है कि मास्क नहीं पहना था, मास्क का तो दंड जो लगता ले लेता। मेरे बच्चों की ऐसी हालत किस तरह कर दी कि आज वो मुद्दा तरह पड़ा हुआ है और हम लोग खाली बस हर दम 6 दिन से खाली और पैसे और की तकलीफ है कि परेशान हो गई हम भी कहा मजबूर है। डॉक्टर बोलते हैं कि बार बार यहाँ जमा करो, जमा आप देख रहे हैं जो हॉस्पिटल है, मैं बेसमेंट में आई हूँ, ये एस्पल हॉस्पिटल है, सूरत की बड़ी हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मानी जाती है। यहाँ एक दिन का खर्च ही लाखों में, अगर पेशेंट आईसीयू में है तो लाखों में इसका खर्च जाता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं इनका एफबी बैंक अकाउंट अगर मैं डिटेल्स डालती हूँ तो आप हो सके तो जितना भी हो सके आप टाउन करें और दुआओं में खास याद रखें। और सबसे बड़ी बात कि आप वीडियो को शेयर करें, ये बात दूर दूर तक पहुंचाए ताकि कल कोई दूसरे समीर के साथ ये नाइंसाफी ना हो। आजकल मास्क आपने बीजेपी की रैलीज में देखा होगा और मैंने भी अभी रास्ते में बहुत जगह देखा है कि 100% मास्क नहीं पहनते हैं, मास्क निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मौत के रास्ते में उसको छोड़ दो। किसी के जवान बेटे को, किसी के मासूम बच्चे को आप इस तरह पीट दो कि वो मरने की कगार पे आ जाए। अब उसके साथ रास्ते के जब उसके दोस्तों से वो अलग हुआ, जब वो कॉफी पीने एंजिन कैफे गया, यहाँ एक इलाका कैफे है एंजिन कैफे, वहाँ गया, वेसू का बहुत हाँ जाना माना इलाका है, हंसता खेलता बच्चा वो गया था। और अब अल्लाह ही बेहतर जानता है, आप सबकी दुआ कीजिए कि वो जैसा गया था वैसा वापस आए। लेकिन मास्क ना पहनना, अगर चलो मान भी लेते हैं कि लड़के ने मास्क नहीं पहना, तो मास्क ना पहनने की सजा इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि उसे मौत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं था पहली बात, तो आप उसको किस बेस पे आप उसको उठा के गाड़ी पे डाल रहे। ठीक है, ना कोई क्रिमिनल था, ना उसकी ऐसी कोई हिस्ट्री थी, वो स्टूडेंट था। अच्छा ठीक है, मास्क नहीं पहना तो आप उससे पैसे ले लेते, आप उसमें फाइन ले लेते, लेकिन आपने उससे गाली गलौज किया और सीधा आपने उसको गाड़ी में डाल दिया। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस बीच। जी बोलिए, थोड़ा उनको हाँ जी बोलिए, नसीहत चाहिए बस। आप क्या मतलब आप कुछ फील करना चाहेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी। बस आपकी क्या कि भाई हमारा बच्चा सही सलामत रहे, हमें इंसाफ मिले, बस इंसाफ मिलना चाहिए। और पैसा तो देखो पानी की तरह आया हुआ है, अभी तक 4-4.5 लाख रुपए हो गए, वो बस हॉस्पिटल तो यही के लिए 50,000 जमा कराओ, 1,00,000 जमा कराओ, लाए कहाँ से पैसा लाए, ये भी मजदूर आदमी है। और आप जानते हैं कि 2 साल से लॉकडाउन का पोजीशन है और बाजार में पैसा भी नहीं है और काम धंधा भी हो नहीं रहा है। अच्छा, आपने कोई लीगल कुछ प्रोसेस की है आपने? अभी सब वकील वगैरह रोका है, अप्लाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका कुछ इंसाफ। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि जो करना ना थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि जितना लेट होगा ना उतना केस आपका ढीला होगा। प्रोसेस चालू है और वकील को भी रोका हुआ है। अच्छा, आप ह्यूमन राइट्स पे गए थे, ह्यूमन राइट्स वालों के पास गए थे आप? ह्यूमन राइट वाले के साथ अभी बातचीत हुई है, नदीम भाई नाम है इनकी, सलीम भाई जो देखे ना वो हमारी बिल्डिंग से है। वो नहीं, वो कांग्रेस में है, नदीम भाई नाम है ह्यूमन राइट्स वाले, हाँ मैं आपको नंबर दूंगी, आप उनसे कॉन्टेक्ट करो वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी और आप लोग जैसा है हमारे को कॉन्टेक्ट करो और परेशानी से दूर कर दो बस, और ये बच्चा सही सलामत आए। हम तो यही दुआ करेंगे और आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करो और ये सारा रास्ता इसका खुल जाए और बच्चा एकदम तड़प रहा है, परेशान है और अभी 5-6 रोज से एकदम कोई जात का उमंग नहीं कर रहा है, उसके अंदर जाने नहीं है, सर अंदर एंट्री भी नहीं करने दिया, दूर से फोटो भी नहीं लेने दिया, मुझे भी फोटो नहीं लेने दिया। फोटो तो हम आपको देते हैं, वो मेरे पास आया हुआ है यहाँ पर, तो ये सब चीज तो हमने हर जगह तो करी हुई है, मैं वहीं भी लेती हूँ, गुलशन पार्क में ही रहती हूँ मैं भी। ठीक है, ये देखिए ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी और वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, बड़े ऑफिसर तक पहुंचे और बच्चे के इंसाफ मिला। आज तुम्हारा बच्चा है तो किसी और का ही बच्चा हो सकता है।
दो मंदिर तक या डायरेक्ट दिल्ली तक के पास हो और ये सर दोबारा कभी कोई करने की हिम्मत नहीं है। कायदा बनाया है, कायदे के अंदर ऐसा नाजायज फायदा नहीं उठा रहा हमारे से। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं लड़के को इसी हालत में, मतलब फैमिली को इसी हालत में मिला था जिस हालत में आप वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो शायद डॉक्टर्स ने बनाया है, इसी हालत में मिला था। इसके पास बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, एक्चुअली फैमिली को पता भी नहीं था कि इनके साथ हुआ क्या है। और जब फोन पे बताया, जैसे कि आपने सुना, फोन पे इन्हें ये बताया गया कि आपका लड़का गाड़ी से गिर गया, तब तक मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, तब तक इनके घर में ये नहीं पता था कि एक्चुअली गाड़ी से गिरा है, उन्होंने डिटेन किया है कि क्या कुछ किया है, बस ये डिटेन किया है कि क्या किया है। उसके बाद जब सिविल गए तब उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, ये है। अच्छा, सिविल ले जाने से पहले भी पुलिस वाले किसी हॉस्पिटल गए थे, पता नहीं वहां से क्या कहा क्या नहीं, फिर जो वहाँ की जो सरकारी अस्पताल है जिसे हम सिविल कहते हैं वहाँ से फिर यहाँ लाए। आप देख रहे सिक्योरिटी गार्ड की दादागिरी, लेकिन सर हम हॉस्पिटल के बाहर हैं। चल बाहर निकल जाते हैं, हाँ तो आएंगे तो सर हम निकल ही जाएंगे। हाँ आप लोग देख सकते हैं ये हॉस्पिटल की जो भी है कि साइड पे हम लोग पार्किंग में खड़े हैं, ये पार्किंग है, हम पार्किंग में खड़े हैं, वहाँ पे भी वीडियो नहीं लेने दे रहे हैं और ना मुझे ऊपर आईसीयू में वीडियो लेने दिया, फोटो भी क्लिक करने नहीं दिया, फोटो भी क्लिक करने नहीं दिया। आप समझ सकते हो फिर यहाँ से किस तरह की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा चाचा, कितने फ्रैक्चर आए हैं, कितने फ्रैक्चर है ब्रेन में? अभी ब्रेन के अंदर कुछ बता नहीं सकते, सिटी स्कैन करा हुआ है तो बोला हमको रिपोर्ट करना है। और सिटी स्कैन का रिपोर्ट मेरे पास आया था, उसमें 9 दिखा रहे हैं, मैंने सुना है 9 फ्रैक्चर। उसमें कहता है कि ब्रेन के ऊपर एकदम लगा हुआ चोट, गहरी चोट लगी और ब्लड सब जम गया हुआ है, ब्लड और उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। और परेशानी ये है कि भाई कुछ तो लड़का बोले 5-6 दिन हो गया, कुछ तो जरा जुड़ी हरकत ना है, मगर वो चीज मालूम नहीं पड़े। अब डॉक्टर लोग को हम बोलते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन है और 48 घंटा लगेगा, 72 घंटा लगेगा, मगर कितने दिन हुए अभी, कितने दिन हुए हैं? 6 दिन हो गया, 6 दिन हुए हैं। 22 तारीख के रात 8:30 देखिए, अब 22 तारीख की रात से 8:30 बजे से जो ये लड़का बेहोश है, 8:30 बजे इसको उठाया था, उसके बाद से जब ये इसको पता नहीं कब चोट लगी इस बीच, तो या तो अल्लाह जानता है, मैंने बताया तो पुलिस ही बता सकती है कि क्या हुआ है। अब लड़का जब होश में आएगा तभी पता चलेगा, दुआ कीजिए आप सब कि लड़का होश में आ जाए जल्द से जल्द, सही सलामत आला आफियत के फैसले करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि आज के बाद कोई और समीर को इस तरह से ना हो कि ना सिर्फ मास्क ना पहनने की वजह से उसको बेचारे बच्चे की ये हालत कर दी है। आप देख सकते हैं ये इनकी पापा की हालत, ये पापा है इनके, इनकी ये हालत है जिसका आप सोच सकते हैं कि जिसका जवान बेटा इस जिंदगी और मौत के, जिंदगी और मौत के बीच में जिसका बच्चा हो उसका दिल क्या कह रहा होगा। मैं पर्सनली जानती हूँ कि कितना पैसा इन लोगों ने खर्च किया है, और हाँ देखिए और मिडिल क्लास फैमिली है, आप सब जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली, और हॉस्पिटल काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल मानी जाती है यहाँ सूरत की। तो अगर ये आपका बैंक अकाउंट कुछ डिटेल मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट पोस्ट में कुछ बैंक डिटेल डालूंगी, तो आपसे जो हो सकेगा आप इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करना। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग दुआ करना, आप दुआ करना कि बच्चा सही सलामत वापस आ जाए। और एक बात और कह रही हूँ कि कैमरा और एक बात कि मेरी आईडी में काफ़ी बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है, या उनकी आईडी में काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। यहाँ की लोकल मीडिया पल से रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो हमारे पास ये सोशल मीडिया है, ये हमारा हथियार है, इस सोशल मीडिया के जरिए हमने काफ़ी बड़े बड़े केस को लाइम लाइट में लाया है, और ये सोशल मीडिया का दबाव ही है जो काफ़ी बड़े बड़े मतलब केस में पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ वीडियो को देखिए मत, सिर्फ ऐसा नहीं कि देख के स्क्रॉल कर लिया या उसे शेयर कीजिए, चाहिए तो अपनी वॉल पे इसे जगा दीजिए ताकि ये बात पूरे इंडिया तक, पूरे वर्ल्ड तक पहुंचे। तो आपकी एक छोटी सी कोशिश करनी है, ना आपको कोई चार्ज करना है, ना आपका कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा खर्च होना है, बस ये बात ट्विटर पर सेंड कर,
ट्विटर पे सेंड कीजिए, ट्विटर पे मैं नहीं हूँ, जो जो ट्विटर पे हैं वो हैशटैग चलाइए, जो जो इंस्टा पे है मैं लड़के की इंस्टा आईडी आपको दे दूँगी, लिंक दे दूँगी दूसरी पोस्ट में, वहाँ से लड़के को टैग कीजिए। ये जितनी लड़का की बात जितनी आगे तक जाएगी, ये बात जितनी दूर तक जाएगी, इंशाल्लाह कुछ तो फ़ायदा होगा, ताकि कल को यार मेरा भाई हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है, आपका भाई आपका बेटा कोई भी हो सकता है, किसी के साथ ये ना इंसाफी हो सकती है। या हिंदू या मुस्लिम कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये उर्दू नाम है तो सरप्राइज कफन बांध के हमें बाहर निकलना पड़ता है। अब ये बच्चा कॉफ़ी पीने से निकला था, इतनी खुशी का माहौल था, घर में कुर्बानी थी, लेकिन इसकी माँ को नहीं पता होगा, इसके बाप को नहीं पता होगा कि ये लड़का मेरा जो घर से निकला है वो आज के बाद या सही सलामत आएगा या नहीं। ये लड़के को पता नहीं होगा कि मैं अभी जा रहा हूँ, जो बेस्कूल जहाँ है हमारा कोश एरिया है, वहाँ मैं जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊँगा। ऐसे हमारे घर के काफ़ी फैमिली मेम्बर निकलते हैं, लेकिन अगर इस तरह के हालात है कि कभी भी किसी को उठा लिया, उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी जान पे बनाई, तो इस तरह का माहौल हम एक सेक्युलर देश में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज हम चुप बैठ गए तो कल को कई घरों से कई कमी अंसारी निकलेंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बात दूर तक जाइए, बात दूर तक पहुँचाइए। मैं नहीं आने वाली थी एफ पे, लेकिन सिर्फ ये भाई की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे एफ पे आना पड़ा।